आज दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो एसएलपी याचिका दायर की गई है उसकी सुनवाई है। यहाँ पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जब हम बीटीसी डीएलएड की बात करते हैं, कौन कौन से वकील हैं जो यहाँ पर पैरवी कर रहे हैं बीटीसी डीएलएड की तरफ से, और दूसरी तरफ जब हम बात करें यहाँ पर जो पक्ष है वो किसका मजबूत जो है वो देखने को मिल रहा है, उन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। जब हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करते हैं तो एक आईए जो है वो लगाया गया है इन्हीं बिहार बीएड अभ्यर्थियों ने जो केस किया है उसमें, केवीएस पीआरटी में किस लिए कि जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट है बीटीसी डीएलएड बीएलएड या डीएड का, उसमें बीएड का रिजल्ट भी साथ में जारी किया जाए, उसकी भी सुनवाई आज ही होनी है। तो जब हम बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के बात करते हैं तो ये मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हम अगर बिहार डीएलएड टीम की बात करते हैं, दो सीनियर एडवोकेट उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं। इनमें जब हम बात करते हैं सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी की पहले, और जो दूसरी जो मैम है वो है मीनाक्षी अरोड़ा मैम। तो ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों ही सीनियर एडवोकेट हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम गोपाल शंकर नारायण जी के बारे में बात करते हैं, आपने मुकेश रॉयल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला केस आपको याद होगा, उसमें जब हम विज्ञान शाह जो एडवोकेट महोदय थे उनके साथ में या उनके लिए जो ड्राफ्टिंग करने का काम था वो किसके द्वारा किया गया था, इन्हीं एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी के द्वारा। तो ये हैं एक तरफ। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, आपका जो दूसरी जो वकील हैं वो मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये दोनों लोग कहीं ना कहीं इस केस की पैरवी करेंगे। जो दीपांकर गौरव जी हैं, जो बीएड की तरफ से जिन्होंने याचिका लगाई हुई है, और उसमें क्या कुछ उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, किस तरीके से क्या कुछ एक रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है, आज जो भी फैसला होगा 13 अक्टूबर 2023 का उसके बारे में हम आपको अवगत ज़रूर करवाएंगे। आपने देखा जो 9 अक्टूबर की बात थी तो एसएलपी को बिहार सरकार ने वापस लिया था, और अभी अगर हम बात करते हैं तो वो अभी आज के दिन में एसएलपी वो वापस लेते हैं, जो उन्होंने रिट पिटीशन लगाई हुई है वो बीएड टीम के द्वारा या दीपांकर गौरव जी के द्वारा वो वापस ली जाती है, या फिर उस पर कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करती है। जो भी चीज़ होगी उसे हम आप सभी को अवगत ज़रूर करवाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।